कंसेप्ट के स्केलिंग और पॉलिशिंग में क्या फ़र्क है? स्केलिंग और पॉलिशिंग में ये फ़र्क है कि जो स्केलिंग है वो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि उसमें डिसकम्फर्ट, थोड़ा बहुत हल्का बहुत पेन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हमने डीप गम्स के इवन अंदर जो सब जिंजाइवल डिपॉजिट होता है उसको भी हमने साफ़ करना होता है। तो जबकि पॉलिशिंग जो है वो जेंटल होती है, उसमें कोई आपको पेन नहीं होता, उसमें आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होती, उल्टा एक अच्छा इफेक्ट उसमें आपको नज़र आएगा। तो इट्स पेनलेस प्रोसीजर पॉलिशिंग। लेकिन आप कहें कि अगर सिर्फ पॉलिशिंग करवा दें तो ऐसा नहीं है, आपको स्केलिंग मस्ट है। स्केलिंग इज़ बेसिक प्रोसीजर, स्केलिंग तो लाजमी आपने करवानी है, पॉलिशिंग उसके बाद ऑप्शनल भी है, लेकिन इन रूटीन में करवा लें तो इसका हमें जो स्केलिंग का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा आफ्टर पॉलिशिंग। जी एक चीज़ दूसरी यही आ जाती है कि स्केलिंग और जो पॉलिशिंग है इसके चार्जेस कितने हैं। तो वही बात, इट वेरीज फ्रॉम क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन, इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्विसेज। तो इन रूटीन अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की बात करता हूँ तो जो स्केलिंग के चार्जेस हैं वो राउंड अबाउट 3,000 to 5,000, इवन इन सम एरियाज 10,000 तक ओनली स्केलिंग के चार्जेस आप कह सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये कोई जो मैं बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, मैं एक जस्ट ऑन एवरेज आपको एक रेंज बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो पॉलिशिंग है उसके जो चार्जेस हैं वो वेरी करेंगे 2,000 से लेकर 4,000 तक इन रूटीन, ये भी वही कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम इससे हो सकते हैं। जी नाज़रीन, जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, फॉर मोर डेंटल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर।